नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। तरनतारन के नया गांव फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चली गोलियां, तीन व्यक्ति हुए गंभीर घायल। फिरोजपुर पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 500 ग्राम हेरोइन, 2 लाख रुपयों की ड्रग मनी और एक मोटरसाइकिल किया बरामद। अमृतसर देहात पुलिस ने FCI गोदाम में 500 बोरी गेहूं चोरी करने वाले 4 आरोपियों को किया काबू, 1 लाख रुपए की नकदी, चोरी किया गया गेहूं और ट्रक किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। जिला तरनतारन के नया गांव फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में टकरा गए। इस दौरान एक पक्ष की ओर से गोली चला दी गई, जिस कारण दो व्यक्ति गंभीर घायल हो गए, तो वहीं दूसरे पक्ष का भी एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए गोली लगने वाले व्यक्ति मुख्तार सिंह और अशपाल सिंह ने बताया कि उनके दादा की ओर से कुछ जमीन की वसीयत उनके नाम पर की हुई थी, पर दूसरे पक्ष का दारा सिंह उनकी जमीन पर अपना हक जताता था, जिसके बाद माननीय अदालत में इसका केस चला तो अदालत की ओर से केस उनके हक में कर दिया गया। और जब वे अपनी जमीन पर चेक करने के लिए गए तो दारा सिंह और उसके लड़के रवेल सिंह ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसकी उन्होंने वीडियो बनाई हुई है। वहीं दूसरे पक्ष के दारा सिंह ने कहा कि मुख्तार सिंह और अशपाल सिंह के नाम पर कोई जमीन नहीं है, ये जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी जमीन पर धान की फसल बीजी हुई थी, इस दौरान उक्त दोनों भाई उनके पास आ गए और उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं इस सारे मामले में पुलिस चौकी अलंगो की कोठी के इंचार्ज गज्जन सिंह ने कहा कि उनके पास दोनों पक्षों की वीडियो आ चुकी है और वे उसी के आधार पर बनती कार्रवाई कर रहे हैं। भीखी विंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इतना है कि बापू जी बाहर से कल्ले बापू जी बाहर से वो 10-12 जने आए आ, उन्होंने आके गोली आके बापू जी खिंच के बाहर में खड़े आए। मैं बाहर निकली हाँ जानकी तो बापू जी मैं जाके छुड़ाने लगे, उन्होंने हमला मेरे से भी किया, उन्होंने भाई फायर भी कटे है। मुड़ के बच्चों ने रौला पाता है कि मुड़ के वीर घरों रफल लेके आया, वीर ने एक भाई फायर किया है, मुड़ के उन्होंने साड़ी रफल खो के तो साड़ी रफल के नाल ही फायर चलाए आ, तो चला के तो वीर मुड़ के तोड़ भन दी है कि छोटे वीर में मुड़ के कुट मार बहुत दी है। कापे से गडासना से तो बच्चे किन्ने क बंदे है जी? 10-12। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੀਆਂ ਜੀ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਉਣੇ ਆ ਕਾਟੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏਗਾ ਤੇ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ ਘਰੇ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਉਹ ਅਜੇ 40-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਵਾਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਵਾਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ? 10-12 ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 10-15 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੋਹਰੀ ਵੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਦੋਹਰੀ ਵੇ ਫਿਰ ਮੰਗਾਈਆਂ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਸੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਫਲ ਖੋਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਈ। ਭਾਅ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਇਹ ਜੀ 5 ਕਨਾਲਾਂ ਅਤੇ 19 ਮਰਲੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਵੇਖੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਘਰੋਂ ਕੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਈਆਂ? ਇਹ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨਾ ਦਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਭਰਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੌਣ? ਇਹ ਜੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਆਉਣ ਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ? ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਏ ਆ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ
माणयोग अदालत वालों ना एक पार्टी की जमीन हक के हो गई तो ये साढ़े को मेरे को तीन चार महीने पहले आए भी साढ़े हक के हो गई है। मैं इन्होंने दोवे पार्टियों हदायत की भी अपना दखल लो तो उन्होंने को पुलिस पार्टी साढ़े सानू लिखा दो माणयोग अदालत वालों तो उन्होंने कब्जा दवाया जाऊगा जिसे हक के माणयोग अदालत करूँ जब तहसीलदार साहब आएंगे तो मैं प्रोटेक्शन दे दूंगा। इन्होंने दोवे धरों ने मना कर दिता फिर इन्हों का उदो कुछ चेर इन लटकया रहा इदा ही तो कल इन्होंने दूजी इन्हें है दारा सिंह इन्हें कि झोना लाया है दूजी पार्टी उत्थे आई है अपनी पैली के भी आए हैं तो इन्हों का उत्थे तत्कार हो गया उतों फिर आ जो है रवेल सिंह इन्हें फायर किया इन्हें रवैल फायर किया तो दूजी पार्टी जी जेरे ला लिया इतने घरियाले दख लिया दोवे पार्टियां की वीडियो आई है मेरे सामने जो जो दोषी पाया गया कार्रवाई कर। फिरोजपुर पुलिस की तरफ से बुरे अंसरों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत एक व्यक्ति को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपीडी रणधीर कुमार ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत एक टीम का गठन किया गया है जिसमें वरिष्ठ पुलिस कर्मचारी अपनी टीम के साथ नशाखोरों के खिलाफ छापेमारी कर रहे हैं। इसी के तहत सीआईए के सब इंस्पेक्टर मंजीत सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति विशाल दीप निवासी बस्ती शेखावाली थाना फिरोजपुर सिटी को काबू किया जिसके पास से 500 ग्राम हेरोइन 2 लाख रुपयों की ड्रग मनी एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। जरा ड्रग दे अगेंस्ट फाइट है उन्होंने सुचारू तरीके चलाने एक विशेष टीम का गठन किया जाए इसलिए डीएसपी डी फतेह सिंह बरार से सी इंचार्ज हरप्रीत सिंह का टीम का गठन किया गया सी। एक कमर्शियल एनडीपीएस की रिकवरी का पर्चा दिता है 253/23 इस 500 ग्राम हेरोइन 2 लाख ड्रग मनी की रिकवरी है नाल एक मोटरसाइकिल भी है। ये कल जो ऑपरेशन चलिया विशेष ऑपरेशन उस 60 ग्राम हेरोइन थाना कैंट 50 ग्राम थाना सदर 20 ग्राम थाना मंडला वाला भी है तो टोटल 630 ग्राम किलो की रिकवरी कल कर दी है। गत दिनों एफसीआई के गोदाम में से 500 के करीब गेहूं की बोरियां चोरी करने वाले 4 आरोपियों को काबू करने में अमृतसर देहात पुलिस ने सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने इसके अलावा 2 और वारदातों को अंजाम दिया था। इस दौरान उन्होंने एक रिवॉल्वर भी छीनी थी जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा 1 लाख रुपयों की नकदी चोरी किया गया गेहूं और वारदात में इस्तेमाल किया गया ट्रक भी बरामद किया गया है। फिलहाल पकड़े गए सभी आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 13/6 बंद ने ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ DVR ਲਾ ਲਈ ਆ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਤੋੜਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਰਮਾ ਨੰਬਰ 134/13/6/23 392/342/458 BC दर्ज किया गया सी जो इस मुकदमे इन्होंने 2 वारदातों होर की इस वारदात तो बारह 2 इन वारदातों होर की दोषियों ने यह दोषी जोड़े ही थाने वजीठे फड़े गए केस रिवाल्वर भी बरामद हो चुका है तो ट्रक भी बरामद हो चुका है तो कणक भी बरामद हो चुकी आ तो असी दोषियों अपने गिरफ्तार करके इस मुकदमे तफ्तीश की है दौराने तफ्तीश इन्हों को जी इन्हें कणक चोरी की गोदामा के बम्बे पिंड गोदामा चोरी की 1 लाख रुपया इन्हों को ही रिकवर किया तो इन्होंने ही अपने जोड़े साथी जोड़े फतम शाह से जोड़े नामज किए हरजीत सिंह आड़तिया अलकों कोठी गुरलाल सिंह पुत्र सुखैन सिंह वासी चुंग मंगल सिंह बाऊ जोड़ा ये लेबर के बंदे लैके आता है यह भी ये फरार है इन्हों फरार करके जो लेबर के बंदे भी जोड़े अपने लैके आते रहे वक् वक् थावान चोरिया करते रहे उन्होंने भी अपने अरैसट किया।
फिरोजपुर छावनी के बाजारों में उस वक्त लोगों में दहशत का माहौल बन गया। जब सुबह उठकर दुकानदारों ने अपनी दुकानें देखी तो एक के बाद एक लगातार 5 दुकानों के शटर टूटे हुए थे। वहीं जब दुकानदारों ने अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था और नकदी गायब थी, जिसके बाद दुकानदारों ने इसकी सूचना थाना कैंट को दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना कैंट के प्रभारी SHO जसवंत सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि चोरों ने फिरोजपुर छावनी में एक रात में 5 दुकानों को निशाना बनाया है, जिसकी जांच की जा रही है और CCTV कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रात की गश्त को और बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस हर वक्त जनता की सेवा के लिए है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घबराए नहीं, जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। दुकान का फर्म कर रहा है अशोक गुप्ता डिपार्टमेंट स्टोर। एक की होया ये रात नो जी चोर आए ने शटर तोड़ के अपना कल्ले चो कैश कढ़ के ले गए। फिर अंदर वड़े ने अंदर वड़ के कल्ले कुल्ले का गला तोड़िया। कल्ले सारे पैसे जिन्हें सीगे वो सारे ले गए। घट तो घट 7-8 हज़ार नुकसान किया। पुलिस ने रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट उन्होंने SHO साहब आए थे जो कहते कि तुम 11 बजे आ जाओ तो मैं एप्लीकेशन लिख दियो तो रिपोर्ट लिख के कार्रवाई कर। मेरा पार्लर है ब्यूटी पार्लर सगुन ब्यूटी पार्लर। रात कोई 1.5-2 के विचकार मेरे गले पिछों ताला तोड़ के गले के पैसे ले गए तो मंदिर के पैसे ले गए। तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये की चोरी हो गई तो सारे ताले तोड़ते उन्होंने, उत्ते भी सारा ताला तोड़िया। तो इतने लोग शाम को रात को आके बहने हैं सामने बाबे के, नशा नुशा करते बह के, चिट्टा चुट्टा पीते इतने बिठा के सारे लोग, तो वो मुखबरी भी करते तो दोपहरे देखते हैं तो रात को चोरी करके ले जाते हैं। मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी साढ़े इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है वो सारे असं लिया रहे हैं। बहुत जल्दी असं इन्होंने चोरों नप लाँगे। बट मैं एक अपील करदा तुहाडे जरिए, जिवें एक दुकान का शटर टुटिया है गुप्ता जी का, उन्होंने कैमरे लगे हुए बड़े वधिया कैमरे सड़क पर भी तो दुकान के अंदर भी, उन्होंने रात को कैमरे बंद कर दिए। जबकि ये वो बड़ी अच्छी वो उन्होंने सारी फुटेज वगैरह आ सकती सी। इस तरह जोड़ा है उत्थे उन्होंने चौकीदार पिछले एक महीने तो जो पता किया एक चौकीदार भी है नहीं। मैं इन्हों सारे मिल के यही अपील की है भी तुम चौकीदार रखो। असी चौकीदारों सा रात को साढ़े PCR वाले मोटरसाइकिल बकायदा पेट्रोलिंग तो करे, उन्होंने बगाहे बगासे चेक करा, जो PCR मोटरसाइकिल उन्होंने असं आप खुद चेक करा। प्लस जोड़े बंदे माड़े है असी उन्होंने निगरानी करके असी उन्होंने बहुत जल्दी सारे इस तरह के चोर है जोड़े जिथे उन्होंने जगह बनती उत्थे उन्होंने भेजा गया। जालंधर के लद्देवाली के पास एक धार्मिक स्थल के बाहर सैर कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने कुछ लोगों पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। इस मौके पर संदीप खोसला ने बताया कि वह घर के पास सैर कर रहा था। इस दौरान कुछ युवक आए जिन्होंने पहले उसके साथ गाली गलौज की और विरोध करने पर उन लोगों ने गोली चला दी। वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा और खेतों में जा छिपा। उसने बताया कि वह RTI एक्टिविस्ट है, जिसके चलते उसे अक्सर धमकियां मिलती हैं। गत रात्रि भी उसे जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चलाई गई। वही सूचना मिलते ही थाना बारादरी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने बताया कि आसपास लगे CCTV कैमरे चेक किए जाएंगे। फिलहाल शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस को गोली के खोल बरामद हुए हैं, फिलहाल उनके द्वारा जांच की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। संदीप खोसला जी वालों फोन आया करके मैं सैर कर रहा है नदी वाली रोड घर बाहर जी। मेरे ते दो मुंडे नौजवान आए हैं स्पलेंडर मोटरसाइकिल से जी, जिन्होंने पहले मेरे हुज मारी कूनी मारी है जी। उस तो बाद थोड़ा अगे जाके और फायर किए उन्होंने जी। सर किन्ने फायर किए कुछ पता लग्या? दो कह रहे हैं। किन्ने खोल जड़े आ बरामद हो गए? एक खोल बरामद हो गया। कोई CCTV सामने आई है जी? चीफ खालसा दीवान के पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह चड्डा और उनके बेटे इंद्रप्रीत सिंह चड्डा के परिवार पर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले नॉर्वे का रहने वाला NRI बलजिंदर सिंह है। अमृतसर में एक प्रेस वार्ता के दौरान बलजिंदर सिंह ने बताया कि इंद्रप्रीत सिंह के बेटे हरप्रीत सिंह चड्डा, प्रभप्रीत सिंह चड्डा उर्फ अंगद और इंद्रजीत कौर चड्डा द्वारा उन्हें होटल में पार्टनरशिप के लिए कहा गया।
वे इसके लिए सहमत हो गए, जिसके बाद उनसे अलग अलग तारीखों पर लगभग 6 करोड़ रुपए लिए गए, मगर ना तो उन्हें होटल में कोई पार्टनरशिप दी गई और ना ही उन्हें कोई शेयर दिया गया। उन्होंने इस बारे में कई बार पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उल्टा जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रभप्रीत सिंह चड्डा उर्फ अंगद का कहना है कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं। बलजिंदर सिंह द्वारा अपनी पार्टनरशिप और अपने हिस्से के प्रॉफिट को लगातार उनसे लिया गया है। उनके पास बलजिंदर सिंह के हस्ताक्षर किए हुए वाउचर पड़े हुए हैं। बलजिंदर सिंह ने दरबार साहिब के निकट होटल लिया था, इससे उसे काफी नुकसान हुआ। उसके बाद उसने इस्लामाबाद इलाके में शराब के ठेके लिए हुए थे, वहां पर भी उसे काफी नुकसान हुआ था। अपने इस नुकसान को उसने भरने के लिए झूठी शिकायतें कर रहा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जिंदर सिंह, मेरे नाल 6 करोड़ रुपया धोखा किया गया, 10 साल हो गए, 10 साल का मैं तड़फ रहा, मेरे पैसे वापस किए जान, मेरे पैसे वापस किए जान, अज तक मैं कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं मीडिया राही इंसाफ लैन की कोशिश कर रहा। चड्डा फैमिली इंद्रजीत सिंह चड्डा का परिवार आ, उन्होंने फादर सीगा चीफ खालसा गवान का प्रधान सीगा, सरदार चरणजीत चड्डा का परिवार आ। तो सरदार चरणजीत परिवार बारे तुम सारे चंगी तरह जानते ही हो कि वह परिवार किस तरह का, उन्होंने की रेपूटेशन। मेरे को मैं यह कहा गया तुम साढ़े होटल से पैसे इन्वेस्ट करो, मेरे को मेरे ना एक MOU लिखा गया, MOU तो उन्होंने सिग्नेचर आ। मैनू कह रहे थे 7 लाख रुपया दो, तुम 20% शेयर देवे, लेकिन मेरे को होटल 3 करोड़ रुपया लै लिया, जो उन्होंने होटल के टर्नर में खलोता है, लेकिन अज तक मैंने एक शेयर नहीं दिता। जदों मेरे सिर्फ 5 जवाब के 5 सवाल ने सरदार बलजिंदर सिंह जी तो, जदों वो आप एक एक बैंक के अंदर चैक साइन करते रहे 11 साल सारिया पेमेंटा कंपनी ऑथराइज करते रहे, इत्थे तक कि जिहड़े पैसे मेरे भी कंपनी ना इन्वेस्टेड हैगे आ उन्होंने भी यूटिलाइज करते रहे कंपनी के अंदर, तो वो अज 11 साल बाद किदां कह सकते हैं कि उन्होंने फ्रॉड होया या फंड्स मिस यूटिलाइज किसी होर ने किए हैं, जदों कि सारे फंड्स 11 साल के पीरियड लिए बैंक के अंदर होर जो कैश के वाउचर है वो आप अपरूव कर रहे हैं। दूजा सवाल, जदों कि वो डायरैक्टर मेरे तो पहला ने इस कंपनी के अंबल हॉस्पिटैलिटी पंजाब प्राइवेट लिमिटेड के उन्होंने सिग्नेचर थले मैं डायरैक्टर के पार्टनर इस कंपनी का बन रहा, तो फिर मैं उन्होंने किसी किस्म का कितना फ्रॉड कर सकता या प्लैनिंग कर सकता फ्रॉड करने की। इस कंपनी के अंदर मैं हिस्सेदार बनाने वाले सरदार बलजिंदर सिंह जी ने उन्होंने सिग्नेचर थले मैं डायरैक्टर बनया, इन्होंने बैंक के खाते ऑपरेट किए हैं सर कि 11 साल बाद 11 साल इन्होंने सैलरी भी ली है कंपनी तो, इन्होंने होर अपने खर्चे भी कंपनी के अंदर पाए है, करोड़ों रुपए के बेनिफिट्स ले हैं, जिसका एक एक चीज की डॉक्यूमेंटेशन है, प्रूफ है। कहते हैं कि सपने वो होते हैं जिन्हें पाने के लिए रात को भी जाकर मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा ही कर दिखाया है कपूरथला के रहने वाले पीटी टीचर सरबजीत सिंह ने, जिन्होंने हाल ही में दुबई में जाकर भारत देश के लिए वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिंदगी में कैसे भी हालात हों, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर आप हार भी जाते हैं तो जिंदगी में उससे अच्छी सीख आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। इस दौरान हमारी टीम से बातचीत करते हुए सरबजीत सिंह ने बताया कि उसका सपना है कि वह कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए। इसी राह पर चलते हुए उन्होंने दुबई में जाकर रा पावर लिफ्टिंग फेडरेशन में भाग लिया और सिल्वर मेडल जीता। इस चीज का सारा श्रेय उनके गुरुजी को जाता है, जिन्होंने उसे इस लायक बनाया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम सरबजीत सिंह, मैं पावर लिफ्टर हाँ। पिछले दिन ही हुई 21 और 22 जुलाई को दुबई विखे हुई पावर लिफ्टिंग रा इंटरनेशनल टूरनामेंट में असी हिस्सा लिया, साड़ी टीम इंडिया ने, जिस विच मेरा चांदी का तगमा आया, मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा। जी मैं पिछले 6 साल तो लगातार प्रैक्टिस करता आ रहा, जिस विच मेरे उस्ताद सरदार जसप्रीत सिंह गुराया का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि मैनू बहुत ही शौक नाल गेम करवाते हैं। डेली रूटीन जो भी वर्कआउट सानू कोच साहब ने दसना उस अकॉर्डिंग असं अपना वर्कआउट करते हाँ।
ਅੱਜਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਨੈਚੁਰਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਰੂਟੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर के चेयरमैन जगतार सिंह संघेड़ा की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें उन्होंने अपने 9 महीने के कार्यकाल के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से 14 नवंबर 2022 को बतौर चेयरमैन पदभार संभाला गया था जिसके बाद ट्रस्ट की बड़ी जायदादें सहित गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम को छुड़वाया गया जो कि 162 करोड़ रुपयों की देनदारी के कारण पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी पड़ा हुआ था और कुर्की का प्रोसीजर चल रहा था। ट्रस्ट ने बैंक के साथ बातचीत कर 50 करोड़ रुपयों की रिबेट लेने के बाद बाकी के 112 करोड़ रुपए सॉफ्ट लोन लेकर अदायगी की गई और निपटारा किया गया। पहले 7 महीने की ट्रस्ट की आमदन 8 करोड़ 7 लाख रुपए थी, अब यह आमदन 16 करोड़ 37 लाख रुपए हो चुकी है, पर रिफंड और इन्हांसमेंट की अदायगी जैसी बड़ी मुश्किलें अभी कायम है। माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई और आदेशानुसार पंजाब सरकार के करप्शन के बारे में जीरो टॉलरेंस के चलते ट्रस्ट ने बीते समय में हुए घोटाले, अनियमितताएं और बकायदगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और अलग अलग पड़ावों पर जांच अधीन है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सारिया ही मेन प्रॉपर्टीज इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दी जिहड़ियां कुर्की अधीन सीगियां, कोविड करके उन्हां दी जिहड़ी नीलामी रुक गई सी, एक तां वड्डी बिल्डिंग की नीलामी हो भी गई सी, गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम भी नीलामी के तहत सीगा, 162 करोड़ रुपए के लोन थले जिहड़ी गिरवी रख्या सीगा पंजाब नैशनल बैंक कोल, उहदा असीं मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान साहब की हदायतां ते सानूं सॉफ्ट लोन मिल गया सीगा, असीं बैंक नाल नैगोशिएट किया, 50 लाख रुपया असीं मुआफ करवा लिया सीगा, ते 150 करोड़ रुपया क्योंकि 162 करोड़ की देनदारी सी, 50 करोड़ रुपया माफ करवा लिया, तो 112 करोड़ असी सॉफ्ट लोन लैके भगवंत मान साहब दी हदायत अनुसार वापस करके तो असी सारिया प्रॉपर्टीज़ आपणियां छुड़वा लईआं आ, तो उन्होंने असी हुण काम करन जोगे हो गए हैं जिहदे विच गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम भी शामिल सी, ते नाल ही साडी जिहड़ी प्रीमियर नेबरहुड्स हैगियां आ जिहड़ियां कलोनियां हैगियां आ उन्होंने भी कुछ इन्हां ने प्लॉट पहले दिते भी हुए सीगे जिहड़े कि जिन्हां दी ऑक्शन वगैरह रुक गए सी ओह सीगा, सो उहदे चों असीं हुण अगे वध रहे हां। पिछले समय की साडी आमदन भी जिहड़ी आ पहलां जिहड़ी 7 महीनों 8 करोड़ सीगी, इस बारी 16 करोड़ है, बट फिर भी ट्रांसपेरेंट हुंदे होए मैं तुहानूं इह दसणा चाहुंदा हां कि अजे भी असीं रिफंड दीआं समस्यावां नाल ते इनहांसमेंट दे पैसे देण नाल उस फाइनैशियल क्रंच नाल अजे भी ट्रस्ट जूझ रहा है, पर असी उहदे चों भी छेती बाहर होवांगे, तो इसे ही समय के दौरान असी जिहड़ी कंज्यूमर नूं बहुत नुकसान झलना पैंदा सीगा, बहुत हरास हुंदे सीगे, बदले बदले केस मेरे कोल हुण भी आ रहे आ करोने केस जिन्हां दे रह गए पहलां नहीं आए, तो मैं उहदे विच दसणा चाहुंदा कि बहुत हरासमेंट हुंदी सीगी, सिर्फ निजी प्रॉफिट ते कुछ असर सूखदार लोकां तक ही सहूलत रह जांदी सी, ते इहदे नाल ही जिहड़ा भगवंत मान साहिब दीआं हदायतां दे अनुसार हुक्मां दे अनुसार पंजाब सरकार दी जिहड़ी जीरो टॉलरेंस है करप्शन के विरुद्ध उहदे विरुद्ध लगातार पड़तालां चल रही आ, काफ़ी वख वख पड़ावां ते वख वख पद्धर ते आ, ते वड्डे केस सामने आउणगे फ्यूचर दे विच, मतलब इदां दे मैं हुण स्पैसिफिक केस नहीं मैं जे रिवील करना चाहुंदा ड्यूरिंग इनकुआरी ठीक नहीं हुंदा, बट इत्थों तक हैगे आ कि एक केस विच 2 प्लाट दिते गए 50 लाख दे ते 1.5 करोड़ रुपया रिश्वत ली गई आ, इस तरह ही एक होर केस दे विच 50 लाख रुपया रिश्वत ली गई आ, वो भी बहुत सस्ते च प्लॉट देता है, ये तो वह चीज़ा ने जिहड़ियां साडे तक रिश्वत की भी अमाउंट पहुँच चुकी है कि किन्नी उहदे विच रिश्वत ली है। माननीय जिला एवं सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर निर्भव सिंह गिल की रहनुमाई में थैलीसीमिया से प्रभावित बच्चों के लिए खूनदान कैंप का आयोजन किया गया। जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी कार्यालय में जिला बार एसोसिएशन जालंधर नकोदर और फिलोर के सहयोग से किया गया। इस कैंप का शुभारंभ माननीय जिला और सेशन जज कम चेयरमैन कानूनी सेवा अथॉरिटी निर्भव सिंह गिल द्वारा किया गया।
इस खूनदान कैंप में 60 यूनिट ब्लड लोगों द्वारा दान किया गया। इस दौरान खूनदान करने वाले सभी लोगों को डाइट भी दी गई। इस मौके पर CJM डॉक्टर गगनदीप कौर, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अमित कुमार गर्ग, सिविल जज सीनियर डिवीजन परिंदर सिंह, जतेंद्र सोनी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। नहीं, डर नहीं लग रहा, मतलब अच्छा लग रहा है। तो शुगर हेल्प होगी, ब्लड डोनेट हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी मतलब बहुत बेनिफिट्स होते हैं इसके लिए। सो आराधना सो होता पहली बार दे रहे हो? हां जी, फर्स्ट टाइम। किदा लग रहा है कॉम्प रिपोर्ट कंप्लेक्स दे? हां जी, बढ़िया लग रहा है। की मैसेज देना चाहते हो? यही कि अपन को करना चाहिए, दूसरे दी हेल्प हुंदी है ते अपना भी अंदरो बॉडी वॉश हुंदी रहंदी है। साल दी तरह आज असी कोर्ट एम्प्लॉइज ते बार एसोसिएशन जलंधर, बार एसोसिएशन नकोदर, बार एसोसिएशन फलौर और सिटी कॉलेज दे बच्चे ते होर कई इंप्लॉइज सारे इतने आए हैं खूनदान ब्लड डोनेशन कैंप दे विच, और उन्होंने सहयोग नाल ये कैंप लगाया गया। और जेडे लोड़वंद मरीज ने सिविल हॉस्पिटल च, उन्होंने वास्ते ये यूज़ किया जाएगा। एक ऐ भी दिक्कतों लिए ही थैलेसीमिया जेडे पेशेंट्स है उन्होंने वास्ते ही सानू कहा गया सी भी थोड़ी ब्लड की शॉर्टेज हैगी है, तो फिर सारे एसोसीएशन बार एसोसीएशन के सहयोग नाल ते इंप्लॉइज के सहयोग नाल असीं अज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। और तुसीं देख सकते हो कि कोई एटलीस्ट 100 ब्लड डोनेशन देने लिए आए हुए हैं। देखा जाता है बच्चे भी पहली बार आए हैं, उन्होंने भी पहली बार दिता, वो कहते हैं सानू बहुत अच्छा लग रहा, असी इदा ही अगों तो रूटीन करी है। बच्चे बहुत इनकरेज कर रहे हैं, दूसरे नू भी इनकरेज कर रहे हैं, और मैं भी हैरान हूँ बड़े कि बहुत हुम हमा के आए हैं, और इन्हों का रिस्पोंस बहुत जबरदस्त सी, कॉलेजेस का बहुत रिस्पोंस सी। मुख्यमंत्री के क्षेत्र धूरी के सरकारी अस्पतालों में जिलाधीश संगरूर और स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विजिट की गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधीश संगरूर ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, उसी के तहत उनकी ओर से अस्पताल की विजिट की गई है कि कैसे इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, सिटिंग एरिया कैसे बढ़ाया जा सकता है, OPD को और बढ़िया कैसे बनाया जा सकता है, इसके अलावा बिल्डिंग को भी और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसी संबंध में जहां पर विजिट की गई है। उन्होंने कहा कि वे इसकी पूरी डिटेल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री के उन्हें निर्देश है कि काम को जल्दी पूरा किया जाए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। हॉस्पिटल चाहे किस तरह की विजिट की है? मानयोग मुख्यमंत्री जी की वलों दिशा निर्देश दिए हैं कि जिहड़ा हस्पतालों का जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाबत जिहड़े हैगे असीं अज विजिट किए कि इत्थे नवे आपां इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, किवें इस नूं होर इंप्रूव किया जाता है, सीटिंग एरिया किवें बढ़ाया जा सकता है, OPDs किवें इंटीग्रेट की जाती, बिल्डिंग किवें किस तरह चंगी बनाई जा सकती है। इस संबंध में अज असीं इत्थे पूरी विजिट की है, जिस के बाबत असीं पूरी डिटेल एस्टीमेट डिटेल ड्रॉइंग बनावांगे। पंजाब सरकार वालों सानू हिदायत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आदेश है कि ये जिहड़े ने एक कम छेती छेती पूरे हो सकन, इस करके इहदी इह डिटेल विजिट असीं पहलां भी कीतियां सीगियां, हुण उसनू पूरा फाइनल करन वास्ते अज असीं इत्थे आए। अज की लग्गिया, किन्नियां कमियां लग्गियां, जिवें डाक्टरां दी घाट हैगी मेन जी? वो सारा डॉक्टरों की घाट जिहड़ा हैगा गवर्नमेंट पद्धर ते जिहड़े रिक्रूटमेंट प्रोसैस है वो चल चुका है, जिवें सारे नूं पता हैगा, काफ़ी जिहड़ी हैगी हौली हौली भरी भी जा रही हैगियां। और ये जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जदों अपग्रेड हो रहा है, प्रॉपर एक MCH वार्ड बनेगा, बैड्स नवे बनेंगे, OPD इंटीग्रेट होएगी, एमरजेंसी फैसिलिटी होर चंगी होएगी, तो वो कार्ड भी वो नाल नाल पूरी हो जाए। फिरोजपुर छावनी के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के शुभ अवसर पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के प्रिंसिपल हरि सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 से 9 वर्ष के बच्चों को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर ये प्रेस वार्ता की गई है। देश भर में 500 के करीब केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसमें कि बाल वाटिका शुरू हो चुकी है, जिसमें खेल खेल में ही पहली कक्षा के बच्चों को जरूरी अक्षर और संख्या का ज्ञान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मॉड्यूल NCERT ने तैयार किया है। इस मौके पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के प्रिंसिपल लक्ष्मीकांत शर्मा, बाल वाटिका की स्वर्णजीत कौर, प्रवीण लता आशु सहित अन्य अध्यापक भी मौजूद रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट।
NEP 2020 की थर्ड जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए की जा रही है। NEP दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि हमारी सरकार द्वारा बनाई गई है और हमारी शिक्षा की जो बेहतरी है उसके लिए करी गई है। तो ये जो सारे हमारे नवोदय विद्यालय समिति के अंडर जो जवाहर नवोदय विद्यालय आते हैं, लगभग 650 से ज़्यादा जो नवोदय विद्यालय हैं वो हमारे देश में हैं और उनमें हर जगह पे हर एक विद्यालय में इसको फॉलो किया जा रहा है ताकि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनकी और बेहतरी के लिए काम कर सकें और जो हमारी शिक्षा नीति में पहली जो शिक्षा नीतियाँ थी हमारी उनमें और जो सुधार की गुंजाइश थी उनमें अब सुधार किया गया है ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित हों और आगे जो आने वाला हमारा देश का भविष्य है वो बहुत ही अच्छा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जी है KVS विच NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दे 3 साल की वरेगंठ मनाई जा रही है कि की जा रही है। तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जोड़ा सी वो यही सी भी केंद्रीय विद्यालय के किस तरीके इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। NEP जी है गवर्नमेंट वालों जी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी साड़ी उस कुछ चेंजेस जीतिया गई तो नवी एजुकेशन पॉलिसी कह दें कई दफा उन्होंने इंप्लीमेंट करने वास्ते KVS को इंस्ट्रक्शन सगे काफ़ी लंबे समय तो प्रयास चल रहा है भी होलिस्टिक लर्निंग जी गल करते थे कि बच्चे जोड़े ने परिपूर्ण हो हर पास हो उस चीज़ को पूरा करने वास्ते पॉलिसी बहुत सारे स्टैप्स सुझाती है जो KVS इंप्लीमेंट हो रही है। मणिपुर में ईसाई भाईचारे की महिलाओं पर अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर जीरा के मसीही भाईचारे के लोगों और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं के सहयोग से कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च मोतीबाग पार्क से शुरू होकर शहर के अलग अलग बाजारों से होते हुए वापस मोतीबाग पार्क में आकर सम्पन्न हुआ। इस मौके पर लोगों ने मांग करते हुए कहा कि मणिपुर हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। जीरा जनरल सैकटरी बहुजन समाज पार्टी पंजाब अज असी जीरे हल्के जिहड़ा मणिपुर के दलित औरतों के उत्ते अत्याचार किया गया तो उन्होंने बेनगन करके जिहड़ा बाजारां दे विच घुमाया गया उसके विरोध के दोषियों नूं फांसी की सज़ा दिवाउण वास्ते इस जीरे हल्के बाजार के विचों कैंडल मार्च कढ़ते हुए असी दोषियों को सजावां देने वास्ते अगे पहुँच रहे हैं। 357वां मासिक गुरमत समागम गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा हुशियारपुर जालंधर में करवाया गया जिसमें विशेष तौर पर भाई सिमरनजीत सिंह टोहानी वालों ने संगतों को आनंदमयी अकथ कथा और सिमरन अभ्यास करवाकर गुरबानी से जोड़ा। भाई सिमरनजीत सिंह की कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में संगतें गुरु घर में हाजिरी लगाने पहुंची। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और संगतों द्वारा ये मासिक गुरमत समागम हर महीने के आखिरी वीरवार को पिछले 35 वर्षों से करवाया जा रहा है। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन परमवीर सिंह हीरा भाटिया, प्रधान अमृतपाल सिंह भाटिया, जनरल सचिव मक्खन सिंह, बूटा सिंह, दीदार सिंह विरदी, बाबा सतबीर सिंह, जथेदार सरदारा सिंह, मकड़ मन महिंदर सिंह संदल सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। इस दौरान जनरल सचिव सरदार मक्खन सिंह ने आई हुई संगतों का धन्यवाद किया। इसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से भाई सिमरनजीत सिंह को सिरोपा साहिब देकर सम्मानित भी किया गया और उन्हें विनती की गई कि वे साल में 2 बार अपने प्रोग्राम का समय जरूर दें, जिसके बाद भाई सिमरनजीत सिंह ने इस विनती को प्रमाण भी किया। अंत में गुरु का अटूट लंगर भी वर्ताया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। गुरुद्वारा दुआबा श्री सिंह सभा साहिब जालंधर विखे जो इन्होंने उपराला किया है सो इसे उपराले के विच ही जो गुरबाणी गुरु का सानूं सारिआं दे लई एक साझा संदेश है कि प्राणी एको नाम ते आओ। वो एक नाम जो इस सारे ब्रह्मंड दे विच चल रहा है नाद स्वरूप होकर चलता पाया एको साड़ी आत्मा का स्वरूप है एको ही परमात्मा का स्वरूप है ये चारे वर्णा च चाहे वह हिंदू है मुस्लिम है सिख ईसाई सारे देखो ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर बैठे ने गुरबाणी गुरु उस ब्रह्म की खोज में लैके सू निर्देश करते हैं कि वार बार ये जोड़े सू विचार आते हैं कानपुरू करते सब तो व्डे ही साढ़े दुश्मन ने इन विचार कि जीव धड़िया जातों मजहबों के वंट के आपस के कलेष बनता समाज
ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਢੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਨਹਦ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਆਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੌਂਕ ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਾਰ 357 ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਉੱਠੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਮੇ ਗਤ ਦਿਵਸ ਸੀਵਰੇਜ ਕੀ ਸਫਾਈ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਥੀ ਜਬਕਿ 2 ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਮੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਲਈ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਪਰ ਬੰਦ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਓ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸਿਆ ਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਾਏ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕੋ ਕੋ ਪੱਕਾ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਜਸਵੀਰ ਮਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਛਹਿਰੱਟਾ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਸੇ ਲੈਣੇ ਕੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਸਕਾ ਵਿਵਾਹ ਗਾਉਂ ਰਨਗੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਵਿਵਾਹ ਕੋ 4 ਵਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਨਕਾ 2 ਵਰਸ਼ ਕਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਉਸਕੀ ਪਤਨੀ ਉਸੇ ਬਿਨਾਂ ਬਤਾਏ ਘਰ ਸੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਬ ਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਗਿਆ ਤੋ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੇ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਔਰ ਅਬ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਕਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਔਰ ਸੇ ਉਸ ਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਮੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਹੁਆ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਜਬ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਗਈ ਤੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨੇ ਕਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋ 4 ਵਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕਾ ਸਸੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਕੋ ਲੇਕਰ ਉਸੇ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਕਾ ਪਤੀ ਉਸਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੀਨ ਕਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਤੱਕ ਉਨਕੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਹੀਂ ਜਬ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਗਈ ਤੋ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੇ ਸੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਬਣਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰ, ਮੈਂ MA ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਰੂਲਰਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਸਰ, ਦਾ ਨਾਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ।
ਮੇਰਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਹੁਰਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਹ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਾਈਫ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਬਿਟਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਡਨੈਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਪਿਓ ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਵੂਮੈਨ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SHO ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਉੱਥੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਛਾੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਰ ਪਰਚਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਮੇ ਗੋ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਜੀ ਕੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਮੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਸੇ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 40 ਦਿਵਸੀ ਅਖੰਡ ਸੰਕੀਰਤਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ जिसके 7वें दिन दोपहर 4 बजे से लेकर साई 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड पाठ किए गए जिसके पश्चात साई 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट अपना बनाया मेनू श्यामाने अपना बनाया मेनू श्यामाने जदों दी मैं तेरे आगे आला विच आज 40 दिवसीय उत्सव का 9वां दिन जिसमें विशेष रूप से गो सेवा मिशन संकीर्तन मंडल जलंधर से प्रवेश जी सनी जी नरेश जी सभी लोग तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं हम हर रोज इनका संगीतमय आनंद सत्संग प्राप्त करते हैं और खाली यही नहीं प्रभात फेरी में भी इनका संपूर्ण रूप से सहयोग है इनको हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद जैसे आज हमने सुबह मीना जी के घर में एक बात अनाउंस की थी वो क्या कि हम गंगा माँ नहीं कहेंगे यमुना नहीं कहेंगे सरस्वती नहीं कहेंगे मेरी माँ के चरणों में सिद्ध पीठ देवी तला के मंदिर में साक्षात गंगा सागर चलकर आया है सभी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार क्यों ऐसे शब्दों का उपयोग करवाया मेरे परमपिता परमात्मा ने और ये शब्द ऐसे ही नहीं निकलते मुख से सत्य होते हैं वो कैसे सत्य होंगे यहां पर आपको ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों के दर्शन होंगे जिनके दर्शन करने के लिए आपको समय भी गवाना होगा हमने गवाना होगा इसलिए कहा क्योंकि आज
धार्मिक स्थानों पर हम दर्शन करने कम, बड़े हृदय की पीड़ा है, पिकनिक मनाने ज्यादा जाते। भगवत चरण हृदय धरे करो राम गुणगान, तीन लोक की संपदा राम नाम में जान, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को धनवंता सोई जानिए, जिस घर राम नाम नित हो अपने अपने घर की, सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य मति धीर। श्री राम जय ब्याल के मैं तत कठिन कुअंक भाल के, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित हरीश सचदेवा के परिवार की ओर से 24 जुलाई से 30 जुलाई तक सायं 7 बजे से 10 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पांचवें दिन कथा व्यास महावीर शर्मा ने कथा कर उपस्थित भक्तों को निहाल किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। नजरों से ऐसा कोई, नजरों से ऐसा कोई जाम पिला दे, तेरी याद में डूबा रहूं कन्हैया, चारों तरफ
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। तरनतारन के नया गांव फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चली गोलियां, तीन व्यक्ति हुए गंभीर घायल। फिरोजपुर पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 500 ग्राम हेरोइन, 2 लाख रुपयों की ड्रग मनी और एक मोटरसाइकिल किया बरामद। अमृतसर देहात पुलिस ने एफसीआई गोदाम में 500 बोरी गेहूं चोरी करने वाले 4 आरोपियों को किया काबू, 1 लाख रुपए की नकदी, चोरी किया गया गेहूं और ट्रक किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।